आज भी बिल्किस किसी से बात नहीं कर रही है। अब तो मैं जिंदगी जीना शुरू की थी और इतना बड़ा झटका। ऐसे देश में किसी भी कॉमेडियन के साथ ऐसा हादसा ना हो। जिस तरह मैंने बिल्किस को सपोर्ट किया है, इसी तरह हर कम्युनिटी पूरे देश के लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको वापस जेल में डालो। नमस्ते, मेरा नाम भावना त्रिपाठी है और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। हम सिर्फ इतना बता सकते हैं आपको कि हम गुजरात में हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और इस वक्त हम गोधरा में हैं। हमारे साथ एक गेस्ट हैं हमारे, आप देख पा रहे होंगे इनको। सर के बारे में मैं कुछ आपको बताऊं, उससे बेहतर है कि हम सर से सवाल करें और सर अपने बारे में खुद बताएं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है याकूब। याकूब, हाँ। याकूब जी बिल्किस बानो जी के हस्बैंड हैं। आपको पता होगा बिल्किस बानो केस क्या है। हाल ही में ज़्यादा चर्चा रहा। गुजरात की सरकार अपनी सज़ा माफ़ी नीति के तहत बिल्किस बानो जी के आरोपियों को, उनके जिन्होंने उनके साथ गलत कृत्य किया था, उनको छोड़ देती है, रिहा कर देती है। सर सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूँगी कि ये जब केस हुआ था तब बिल्किस जी प्रेग्नेंट थी, आप उनके हस्बैंड हैं, आप हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं वो दिन, वो शाम, वो रात, वो जो पल था उसके बारे में। देखो उस वक्त जब जो हादसा हुआ था बिल्किस के साथ, उसमें 7 लोगों का जो आइडेंटिफाई हुआ था, ऐसे पूरा परिवार 14 लोगों को मारा दिया गया था वहाँ पे, और 7 लोगों, 7 ही लोग वहाँ से पाए थे। बिल्किस के साथ 14 लोगों को मार दिया गया था और जो जांच में आया था तब 7 लोगों का पाया था। तो उसमें उस दिन का जो हादसा था बिल्किस के साथ जो हुआ था बहुत भयानक था और पूरी दुनिया ने देखा है। बिल्किस ने बार बार बताया है, उन्होंने इंटरव्यू में हर चीज़ में बताया है बिल्किस, तो वो बात तो पूरी दुनिया को मालूम है, हमारे देश को भी मालूम है। तो वही हादसा से अभी हम जो उसको कंपेयर करें, तो जो आज बिल्किस के साथ हुआ है ना इंसाफी, हिंसा मिलने के बावजूद भी बिल्किस के साथ ना इंसाफी हुई है जी, वो हमारे लिए बहुत बड़ी मायूसी देश के अंदर हमको पैदा कर दी है। बिल्कुल याकूब जी, आपने बताया कि उनके साथ जो केस हुआ, जो कांड हुआ, मौतें भी हुई और उनके साथ जो गलत हुआ वो अलग हुआ, वो प्रेग्नेंट थी उस टाइम। कहीं ना कहीं परिवार शोक मनाने के लिए भी सोच रहा होगा कि कहाँ जाके शोक मनाया जाए। हम उनके रेप का जो दिक्कत हुई है, हम उसके बारे में बात करें, उसके बारे में सोचें या फिर उन मौतों के बारे में सोचें। 2002 से ये लड़ाई चली जहाँ तक हम, मुझे पता है, और 2008 में, मार्च में 2002 में ये केस हुआ। 2008 में जो 20-30 लोगों ने हमला किया था और इस घटना को अंजाम दिया था, उसमें से 11 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया और उनको सज़ा दी गई। वो सज़ा कारावास की जो थी वो काट रहे थे और अचानक से फिर 15 अगस्त 2022 को उनको रिहा कर दिया जाता है। वो 11 जो आरोपी हैं वो इस वक्त खुले घूम रहे हैं। सर जिस दिन ये पता चला कि उनको रिहाई मिल रही है, उस दिन आपका और बिल्किस जी का क्या रिएक्शन था? जिस दिन उनको, हमको तो बिल्कुल मालूम नहीं था कि ये चीज़ हो रही, होने वाली है। जैसे हमने 11:30 के आसपास में लोकल न्यूज़ या पेपर्स या कटिंग में या व्हाट्सएप पे देखा कि भाई आपके केस के जो 11 लोग हैं उनको छोड़ दिया है जी, पहले तो हमने उनको, हम यकीन ही नहीं कर रहे थे कि हो ही नहीं सकता है। फिर उसके बाद हमको पता चला कि ये बात तो जब मीडिया में, लोकल मीडिया में चलने लगी, तो हमने सोचा ये बात तो सही है। फिर जैसे हमने और हमारे वकील से बात किया, फलाने से बात किया, ये सब चीज़ें, तो क्या हमको भी मालूम नहीं ये चीज़। फिर उसके बाद हमने जांच किया कि ये बात सच है, तब जाके हमने बिल्किस को बताया, तो बिल्किस एकदम इतनी चौंक गई और इतनी शॉर्ट हो गई कि क्या हो गया। जो मेरी ज़िंदगी थी 17-18 साल जिंदगी जीने की कोशिश की, जब लास्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया, उनको कंपटीशन की बात की, नौकरी की बात की, मकान की बात थी, तो उन्होंने बताया कि अब तो मैं ज़िंदगी जीना शुरू की थी बच्चों के साथ, मेरी लड़ाई खत्म करके, और इतना बड़ा झटका। बहुत आज भी बिल्किस किसी से बात नहीं कर रही है, बिल्कुल शॉर्ट में है कि मैं क्या जवाब दूं। उस वक्त बिल्किस जी को संभालना कितना मुश्किल था जब उनके साथ ये केस हुआ था? बहुत मुश्किल था, बिल्किस को बहुत मुश्किल से समझाया है, फिर उसको थोड़ा अभी ये किया है, जैसे कभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका भी गई है, पूरे देश भर में
देश भर के लोगों ने, देश की मीडिया ने, देश के लोगों ने हमारा जो सपोर्ट अभी तक जो किया है, हम वो उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्किस के साथ आखिर तक बना रहे। कहीं ना कहीं 29 नवंबर एक ऐतिहासिक कह सकते हैं किसी भी मामले में, चाहे सपोर्ट में हो या अगेंस्ट में, हो सकता है कि 29 नवंबर एक तारीख है जो जिससे थोड़ी सी आशा जगती है। क्या आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे, उस 29 नवंबर के बारे में बताना चाहेंगे? सबसे पहली बात तो कि जब ये जजमेंट लिया गया और उनको छोड़ दिया गया तो हमको पूरा एक देश के न्याय तंत्र पे जो भरोसा था, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी हमने देश के न्याय पे भरोसा किया था और देश के न्याय ने हमको इंसाफ दिया है। हम ये नहीं कह रहे कि नहीं दिया है, इंसाफ तो दिया है, लेकिन ये जो इंसाफ बिल्किस के साथ हुआ, एक कमेटी बनाकर और इनको छोड़ दिया जाए, वो गलत हुआ है। और जो 29 को आज भी हम देश की न्याय पर भरोसा कर रहे हैं, हमको उम्मीद है कि बिल्किस के फेवर में कोर्ट जजमेंट दे। एक पति होने के तौर पे आपकी लड़ाई ख़त्म ही नहीं हो पा रही है कहीं ना कहीं। 2002 से शुरू हुई है, 2008 में कुछ राहत मिली होगी मेरे ख्याल से, और 2022 में अचानक से सब मेरे ख्याल से नॉर्मल चल रहा होगा जब उन्होंने शुरू किया होगा जीना, जैसा कि आपने बताया, और फिर अचानक से ये खबर आ जाती है कि वो लोग बाहर घूम रहे हैं। पति के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी लड़ाई भी लंबी रही होगी? देखो, मैं एक बिल्किस के साथ लंबे दौर से न्याय के लिए बिल्किस के साथ रहा हूँ, परिवार के साथ रहा हूँ, तो मेरा तो बिल्किस को हमारा वही उम्मीद है कि जो 11 को छोड़ दिया उसको वापस जेल में डालें। बिल्कुल, तब जाके हमको मिलेगा न्याय। सबसे पहली बात बिल्किस को 21 साल की उम्र थी उस वक्त, और आज 21 साल से लेकर अगर अभी तक देखें तो आपका लंबा साथ रहा है उनका, और कहीं ना कहीं इस मामले में आपको सैल्यूट करना बनता है, क्योंकि जब ऐसे केसेस हमें सुनने में आते हैं किसी औरत के साथ हुए हैं, तो आदमी पुरुष वर्ग जो होता है वो सबसे पहले आता है कि हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं लड़की की गलती रही होगी और हम उस लड़की को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। पर हैट्स ऑफ टू यू कि आपने इतना उन्हें सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उस लड़ाई में बराबर खड़े रहे, जिसे बोलते हैं कि लड़ाई में बराबर खड़े रहना, आपने उस लड़ाई, वो लड़ाई लड़ी उनके साथ। उस बात में वही कहना चाहता हूँ, देखो बिल्किस के साथ जो हादसा हुआ है, एक कम्युनिटी पे हमला हुआ था, ऐसे देश में किसी भी कम्युनिटी के साथ ऐसा हादसा ना हो। और मैं तो वही कह रहा हूँ, देश की किसी भी कम्युनिटी की लड़की हो और मेरे उनका पति हो, तो जिस तरह मैंने बिल्किस को सपोर्ट किया है, इसी तरह हर कम्युनिटी, पूरे देश के लोगों को इनको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, गुजरात सरकार से नाराजगी है जी। गुजरात सरकार के जो नाराजगी, कहने का मतलब कि जो उन्होंने 11 लोगों की कमेटी बनाकर ना बिल्किस को कोई या एविडेंस ना कुछ, उनकी सुरक्षा की कोई ख्याल नहीं करा, उनके बावजूद भी इन लोगों ने इनके लोगों को बिठा कर, कुछ अधिकारियों को बिठा कर, इनके समर्थन में फेवर करके जो जजमेंट दे दिया और उनको रिहा कर दिया, तो बहुत नाराज़गी तो है। गुजरात सरकार को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इनको वापस जेल में डालें। बिल्कुल, ना सिर्फ जेल में डालें, उनकी जो कहीं ना कहीं सज़ा है उस पर भी विचार किया जाए कि सिर्फ जेल तक ही रहने के काबिल हैं या उसके आगे भी सज़ा दी जानी चाहिए मेरे ख्याल से। इसके अलावा केंद्र सरकार से आपको लगता है कुछ उम्मीद बंधी है, क्योंकि इलेक्शन का दौर है और जब इलेक्शन होता है तभी कहीं ना कहीं लोग आते हैं चुनाव के मुद्दे डालने के लिए और सांत्वना देते हैं कि भाई हम सुनेंगे सुनेंगे, तो क्या ये चुनाव एक फैक्टर हो सकता है कि उनको न्याय किसी भी लालच में सही मिल जाए? देखो, बिल्किस को न्याय की उम्मीद हम लोगों को है, पूरे देश के लोगों को है कि बिल्किस को न्याय मिले, नारी शक्ति से लेकर पूरे देश के लोगों ने बिल्किस को जो सपोर्ट किया है देश पर और दुनिया से भी, कहने का मतलब उनका जो इनके साथ जो हादसा हुआ है उससे नाखुश है, तो हम उम्मीद तो कर रहे हैं कि इनको इंसाफ मिल जाए। किसी ने आपका सपोर्ट करने कोई आगे आया, कोई समिति, कोई संगठन, कोई एनजीओ, कुछ भी नहीं? जो टाइम पे आज हमारे साथ सिर्फ वकील के साथ बात हो रही है और उनसे हम सलाह कर रहे हैं, और जो देश भर में कुछ लोगों ने हमारे तरफ से याचिका दायर किए हैं, उनका सबका हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। लोगों ने जो आंदोलन किया है,
रोड पे आए हैं बिल्किस के हिसाब के लिए, उन सब का हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा अगर आपको कुछ भी सरकार से कहना है, देश के लोगों से कहना है, कोई भी आपकी अपील है तो आप प्लीज़ हमारे माध्यम से आप कह सकते हैं। हमारी उम्मीद है कि जिस तरह बिल्किस के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और पूरे देश के लोग बिल्किस के हिसाब के लिए आवाज़ उठाए और जितना भी उठाया उससे भी ज़्यादा उठाए और बिल्किस को इंसाफ मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए आपका और अपना वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।